इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पहले हम लोग इन्हें बोलते थे इक्वेशंस ऑफ मोशन जब हम लोग नाइन्थ में थे, और ये फॉर्मूले आपके देखे हुए होंगे। ये तभी वैलिड होते हैं जब कैसा एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट हो, और जब मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन में हो। अगर आप इनके नोटेशंस का मीनिंग नहीं जानते हैं तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। वैसे ये तो आपको आना ही चाहिए यार, ये तो पहले से पता होगा। इसमें थोड़ा सा बच्चों को डाउट होता है तो इसको हम लोग समझेंगे थोड़ी देर बाद, पहले हम लोग इन्हें डिराइव कर लेते हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। अभी तक हम सोचते थे कि शायद तीन ही होते हैं, लेकिन चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन भी है हमारे पास। चलो अब तो डिराइव कर लें। पहले ये चारों इक्वेशंस हम लोगों को डिराइव करनी है, और ये मंत्र तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में आए तो हमें स्लोप की जरूरत पड़ेगी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आए तो स्लोप की जरूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी में जाए तो एरिया की जरूरत पड़ेगी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना चाहें तो एरिया की जरूरत पड़ेगी। यानी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे होती है ना। जैसे कि आइस, वाटर और वाटर वेपर, तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसमें होती है, वाटर में होती है, ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, फालतू लॉजिक है वैसे। एनीवेज, अब एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ऐसा जानते ही हैं कि जीरो से शुरू हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा और अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग जानेंगे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव, जो कि जीरो से नहीं शुरू हो रहा है, थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है। थोड़ा ऊपर से शुरू इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, वो कितनी है, यू है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी ले ली हम लोगों ने, वी ले ली। चलो यहाँ खत्म कर दो, है ना, ये वाली हम लोगों ने वी ले ली। बस अब यहां से नीचे ड्रॉप कर दोगे अगर तो ये टी हो जाएगा। बस इतनी इंफॉर्मेशन से ही हम लोग कुछ ना कुछ डेरिवेशन कर लेंगे। देखो ये 90 डिग्री है, और हमने क्या सीखा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है क्या, नाम दे देते हैं इनको, इसको नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें सी, बोले अरे बी कहाँ गया, अरे बाद में आ जाएगा बी, ठीक है। और इसका नाम कुछ भी दे देते हैं एम, और इसका नाम दे देते हैं क्यू। अरे सर ये क्या मतलब, ए बी सी डी आप कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे, बाद में काम आएगा, इधर आएगा। वैसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या है, सीएम डिवाइडेड बाय एएम, ठीक है, चलेगा। स्लोप क्या है, ये डिवाइडेड बाय ये। अब देखो क्या है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, वी के बराबर है, ये डिस्टेंस कितनी है, यू के बराबर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, v माइनस यू हो जाएगी कि नहीं, ये कितनी हो जाएगी, v माइनस यू, बस काम खत्म हो गया यहीं से। am क्या है भाई, am डिस्टेंस क्या है, t माइनस जीरो है, यानी t है, बस अरे अरे अरे, at इज इक्वल टू v माइनस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस at, हो गया भाई पहली इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया खेल खेल में। अब दूसरी पे आ जाते हैं, दूसरी में हमें क्या चाहिए, यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें चाहिए एरिया, है ना, यानी कि हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, एस से शुरुआत करनी है, तो इसी पूरे का एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। अब ए सी क्यू ओ,
एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। इसका क्या मतलब हुआ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या ए सी क्यू ओ। अब ट्रेपीजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, हाफ ए एम मल्टीप्लाइड बाई एम सी, ठीक है, प्लस यहां पर क्या है ए एम मल्टीप्लाइड बाई एम क्यू। आप सीधा यू वी नोटेशंस भी लिख सकते थे, बट मैं थोड़ा सा बेसिक से करना चाहता हूं। अभी अभी हमने सीखा ए एम लें या ओ क्यू लें, उसकी वैल्यू क्या है टी के बराबर। एम सी की वैल्यू क्या है या सी एम की वैल्यू क्या है, वी माइनस यू, ठीक है। ए एम की वैल्यू क्या है, केवल टी, और एम क्यू की वैल्यू क्या है, केवल यू, ठीक है। तो कुछ कुछ तो लग रहा है ना। वी टी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस यू और यू टी है, यू टी तो मिल गया बट हाफ ए टी स्क्वायर नहीं मिला। याद करो v माइनस यू यहां लिखा है, v माइनस यू को हम लोग ए टी नहीं लिख सकते हैं यहां पे, है ना। तो t बाई टू इंटू ए टी, इसको बोल दो वन बोल दो, यूजिंग वन, इसको भी वन बोल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यूजिंग वन, ठीक है भाई। यू टी अब बस काम बन गया अपना, चलता क्या आ रहा है, s चलता आ रहा है, ये बात मजा आ रहा है नहीं। तो s इज इक्वल टू ये वाला पहले लिख दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यहां थी, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां है, सही है। तीसरी में थोड़ी सी और मेहनत होगी, यहां पे भी देखो v square is equal to u square plus 2as है, तो capital S आ रहा है, यानी एरिया में हमें डील करना है। तो जो यहां पे लिखा था वही मैंने यहां पे चिपका दिया है, ये यूज कर रहा था हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन के लिए, अब यूज कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल किया था, लेकिन यहां पर हम लोग सीधा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही कर देंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट क्या है, ओ क्यू। देखो ट्रेपीजियम है कैसा, ये दोनों पैरेलल है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स है, तो एक साइड है यू और दूसरी साइड है वी, है ना। तो अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं ओ ए प्लस ओ, यहां पर चलो इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं Z, ठीक है, वो V मत लीजिए उसे, O A O Z। S is equal to 1 by 2 U plus V, O Q क्या है T, ठीक है। अब V square is equal to U square plus 2 A S में क्या चीज नहीं है, T नहीं है, तो T को ही एलिमिनेट करेंगे। T कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी, इसी चीज को यहां पे रख देंगे। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, u प्लस वी नहीं अच्छा लग रहा है, v प्लस यू लिख देंगे, ठीक है। और v माइनस यू डिवाइडेड बाई t की जगह लिख देंगे ए, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा 1 बाई टू इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, समझ गए। अब 2a को इस तरफ ले आओ, अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, चलो डा चाल निकाल, ठीक है ना भाई।
एस से टू और ए मल्टीप्लाई हो जाए, टू ए एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, चलेगा। अब यू स्क्वायर को इधर ले आओ बस, तो अब तो दिख ही रहा है यार, मतलब सीधे ही लिख सकता था मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब यहां से सीधा यहां आ जाइए, क्या दिक्कत है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गई लाल्टिक का। फोर्थ इक्वेशन को पहले समझो, Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि nth सेकेंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। इससे और इसमें फर्क क्या है, यह बोल रहा है कि जीरो से लेकर t तक इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। ये s क्या कर रहा है, यहां से लेके यहां तक जो टाइम है उसमें यह पूरा एरिया ले रहा है। लेकिन ये वाला क्या कह रहा है कि nth सेकंड में हमारी वेलोसिटी ये थी और n माइनस वनth सेकंड में हमारी वेलोसिटी ये है। यानी कि जो आखिरी सेकंड है या जिसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं, आखिरी होना भी नहीं चाहिए, फिफ्थ हो सकता है, हंड्रेड हो सकता है, सिक्सटींथ हो सकता है, तो उसमें मान लीजिए सिक्सटींथ है, तो सिक्सटींथ सेकंड में ये वेलोसिटी है और 15th सेकंड में ये वाली वेलोसिटी, तो 16th सेकंड में पिछले वाले से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा वो ये वाला एरिया होगा। या आप समझे 16th में इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा, 15th में इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा। तो 16th में ही चलने वाला एरिया कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। बस यही कैलकुलेट करने में हम लोग इंटरेस्टेड है। अब इनके नाम दे देते हैं, ए से लेके सी है तो बीच में पॉइंट है, इसलिए इसको मैंने बी दे दिया। अब इस पॉइंट को देख लो, इसको हम लोग चलिए जैसा ये बनाया है वैसा ही एक और यहां पे हम लोग ने बना दिया, क्या इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस, ठीक है। अब तो समझ में आ गई एबीसीडी कैसे आ रही थी। एक्चुअली मैंने पहले ये प्रूव कर लिया था, फिर उसके बाद जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हैं वो प्रूव करना तो आसान था, तो मैंने इसी के हिसाब से डायग्राम बना लिया। एनीवे, अच्छा nth बोले या tth बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो nth मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा है ताकि अगर बुक यहाँ पे t लिख रही है तो उसमें क्या कंफ्यूजन होता है, ये t जो होता है वो जीरो से लेके t तक है और ये n क्या है, n माइनस वन से लेके n तक। आप चाहें तो टी भी कर सकते हैं, बुक ने टी किया या डेरिवेशन में भी मैं टी ही कर रहा हूं। ओके, डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी आर क्यू सी, जो भी नाम दे दें कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बी आर क्यू सी। तो बी आर क्यू सी ट्रेपीजियम जो लाल से शेडेड है वो भी क्या है, एक ट्राइंगल प्लस एक रेक्टेंगल, काढ़ा बन रहा है इसलिए ठक ठक हो रहा है, आप डरिएगा नहीं। एस टी, ठीक है, एस यानी कि टीएथ सेकंड में कितनी डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका एरिया कितना होगा भाई, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है वन। अरे टी माइनस वन से टी तक गए तो वो डिस्टेंस तो वन ही होगी ना, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखे दे रहा हूं, वन बड़ा कर देता हूं, ये डिस्टेंस क्या है वन, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है रेड वाली, ये जीरो से लेके टी माइनस वन है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग टी माइनस वन लिखे दे रहे हैं, बाद में काम आएगा। तो इसका एरिया क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है वन, इंटू हाइट क्या है टी सी, प्लस बेस फिर से ले लो वन और हाइट क्या है पी क्यू, पी क्यू ना लिखकर मैं आर बी लिखे दे रहा हूं, बेस क्या है वन
इंटू आरबी हाइट, ठीक है। अब कुछ भी आप आरबी चलो पहले लिख दिया, ठीक है, पीसी डिवाइडेड बाई टू। अब ये जो आरबी है वो क्या है, आरएस प्लस एसबी, और आरएस क्यों अलग हम करना चाहते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे यू के बराबर है, ठीक है। वैसे तो यार मतलब बिना रटे ये सब काम हो नहीं पाएगा, मैं चाहे जितना यहां पर ड्रामा कर लूं कि ये तो मैं डिराइव कर रहा हूं, लेकिन मैं भी रट ही रहा हूं। एनीवेज आरएस को हम लोग यू लिख देंगे, बट अब यार एसबी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और पीसी के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज तो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर देखा जाए स्लोप के बराबर है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्लोप कांस्टेंट ही होगा, तो ए इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं बी एस डिवाइडेड बाई ए एस, है ना, या एस बी डिवाइडेड बाई ए एस, जो भी बोले हम लोग ने यहां पे एस बी लिखा है इसलिए। और दूसरा एक और तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन ले सकते हैं, भाई ये दोनों लिए हैं यहां पे हम लोगों ने इस एक्सेलरेशन के लिए, ये दोनों लिए हैं, दूसरे एक्सेलरेशन के लिए ये दोनों ले लें, ठीक है, क्योंकि वहां पे पीसी मिलेगा हमें यहां पीसी चाहिए ना, पीसी डिवाइडेड बाई बीपी, ठीक है ना। एसबी का कोई जानकारी नहीं इसलिए उसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पीसी की कोई जानकारी नहीं उसे भी एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही। चलो भाई अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एस बी डिवाइडेड बाई ए एस, है क्या यार ए एस कोई नई चीज नहीं है, ए एस इसके बराबर है, ओ आर के बराबर, ओ आर कितना है टी माइनस वन, इसलिए इतनी मेहनत की गई थी। और यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी सी इज इक्वल टू मतलब ए इज इक्वल टू पी सी डिवाइडेड बाई पता नहीं क्या बी पी, बीपी क्या है देखो आरक्यू के बराबर, आरक्यू क्या है वन सेकेंड के बराबर, तो ये हो गया वन। अब देखो काफी काम अपना हो गया है, यहां से आरएस को क्या लिख सकते हो आप, यू के बराबर लिखो, एसबी को क्या लिख सकते हो ए मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस वन, पीसी को क्या लिख सकते हो ए मल्टीप्लाइड बाय वन, अरे वाह एस टी यू ए टी ए सब में आ गया है, अब इसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। चलो यू प्लस ए टी माइनस ए प्लस ए बाई टू, अरे पीसी बाई टू था ना, अच्छा अब माइनस ए प्लस ए बाई टू, यू प्लस ए टी माइनस ए बाई टू कर सकते हैं इसे कि नहीं, भाई इन दोनों को अगर एक साथ करते हैं माइनस वन प्लस वन बाई टू तो माइनस ए बाई टू हो गया। अब अपनी तरफ से इसके जैसा फॉर्म बनाने के लिए ये टू मैं कर दे रहा हूं टू बाई टू, ठीक है, यू प्लस ए बाई टू हमने कॉमन लिया है ना, और यहां पे माइनस वन आ गया और यहां पे आ गया टू टी, ठीक है ना, समझ गए, ए बाई टू कॉमन आ गया टू टी माइनस वन, ऐसे ही शक्ल दिख रही है। अब टी को आप एन से रिप्लेस कर दीजिए, वैसे ये भी अब यही डिराइव हो गया है n by 2 divided into 2n minus 1. So, nth time में travel किया गया, nth second में travel किया गया जो distance displacement है वो ऐसा है. Displacement in the nth second. हो गया भाई का.